कमलों से, और इससे विभाग पे जो बोझ था वो हल्का हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मददगार जो है दोनों विभागों के लिए जो है ये साबित होगा। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जब से महागठबंधन की नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमारा ध्यान जो बिहार के नौजवान हैं, क्योंकि बिहार जो है सबसे देश में युवा प्रदेश है, लगभग 50 से 60% जो युवा हैं वो बिहार में, आप समझते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई समस्या अगर था तो बेरोजगारी था, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो बेरोजगारी था। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो सबसे बड़ी जिसकी आबादी है, जो नौजवान है, युवा है, उन पर ध्यान रखने का काम किया कि बेरोजगारी को कहीं ना कहीं से हम लोग खत्म करें। और कम से कम सरकारी विभागों में जितने भी पदे रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करें। अब आप बताइए, लगातार जब से बनी है, एक महीना भी नहीं हुआ था, डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था, उस दिन से लगातार जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से बांटने का काम किया, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जहां पूरे देश में बेरोजगारी जो है सब लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये दुश्मन है और काम नहीं हो पा रहा, इस दिशा में कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही, वहीं बिहार जो कम रिसोर्सेज होने के बाद भी, कम संसाधन होने के बाद भी इतना बड़ा काम जो है कर रहा है। और अब तो हम चाहते हैं भाई कि केंद्र सरकार जो है उसके अधीन कितनी पदे जो हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, कम से कम केंद्र सरकार को ये भी बताना चाहिए। और अब तो जब से नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं तब से केंद्र सरकार जो है अनुकरण कर रहा है बिहार सरकार का, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बिहार के लिए जो है गौरव की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी है उस पे हम लोग जो है पुरजोर तरीके से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि कम से कम बेसिक जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो हम लोग उपलब्ध करा सके। तो हर एक दिशा में, हर एक डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा भी करते आ रहे हैं, और ये समीक्षा कर कर के सभी विभागों में इन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में हमको जो है आगे बढ़ना है। ये सारा काम जो है हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का यही सपना है कि बिहार के लोग आगे बढ़ें, उनकी तरक्की हो, और जो एक प्रगतिशील राज्यों में बिहार जो है गिना जाए। अभी आज मेरा जन्मदिन है और हम आ रहे थे, तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दे तो आप क्या मांगिएगा, तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकार ही दे दे। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं, और आप लोग, बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है, अगर आज हम यहाँ उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए, कम रिसोर्स होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात है।
जीडीपी की बात हो, हर एक विषय पे अगर देखा जाए तो कितना बढ़िया जो है नेतृत्व में इनके काम चल रहे हैं, और हम लोग मिल करके इनके नेतृत्व में किसी को जो है असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, उस चीज़ों पे हम लोग लगातार जो है ध्यान देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बिहार का युवा है प्रतिभाशाली है, किसी भी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना मेहनत और कोई करने वाला लोग नहीं है। और कहीं भी आप चले जाइए बिहार के लोग मिलते हैं, हर विभागों में, हर जगह, हर सेक्टर में जो है काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का सपना है कि बिहार को इतना बेहतर बनाया जाए ताकि बिहार के लोगों को बाहर काम करने की ज़रूरत ना पड़े, बिहार में ही लोगों को रोज़गार मिले, लोगों का इलाज हो, लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बने जहां उनका हायर एजुकेशन हो, वो पढ़ सके, ताकि जो बिहार का रेवेन्यू जो है वो बाहर ना जाए, बिहार में ही जो है रेवेन्यू जो है हम वापस लेकर के आए। इस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग एक एक चीज़ को देख रहे। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, हम लोगों की कोशिश है कि बाहर से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो बिहार में लाएं, इंडस्ट्री लगाएं। और बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग का कितना बड़ा स्कोप है, चाहे मखाना हो, फॉक्सनट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मखाना हो, मछली हो, केला हो, लीची हो, मक्का हो, इतना बड़ा जो है स्कोप है। इस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। अभी स्किल डेवलपमेंट में आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है, चाहे मोतिहारी वाला या मुजफ्फरपुर वाला में जो हुआ, वो गए थे, कितना बड़ा खुद से जो लोग हैं इंडस्ट्री छोटे स्केल पे ही बैठा रहे हैं और उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों में क्षमता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया सुंदर बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और आज समझ जाइए, आज 9 नवंबर है, हम लोग 10 माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग 10 अगस्त को हम लोगों ने ओथ लिया था, यानी आज जो है 3 महीना जो है पूरा हो गया। लेकिन जो हम लोगों का प्रण था, हम वादा नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, वादा तो तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रण था कि बिहार में नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख हम लोग जो है नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। और उस दिन के बाद से देख लीजिए, एक एक काम जो है लगातार, कोई नहीं कह सकता, जो हमने कहा है, जो प्रण था, उसको हम लोग लगातार जो है पूरा कर रहे हैं। और आज देख लें तो जितने जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, जो आप पदाधिकारी या अधिकारी बनेंगे, उनके चेहरों पर कितनी बड़ी खुशी है। तो ये सिलसिला कुछ दिनों बाद, हमको पूरा विश्वास है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो हैं लोगों को मिलेगी और लाखों में रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। और लगातार विज्ञापन जो है आप लोग देखिएगा कि ये छपने का काम होगा लोग, हाँ, लेकिन एक बात का हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि जब भी बहाली निकलेगी तो उसकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, देरी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को नौकरी रोजगार जो है वो मिलने की व्यवस्था कराई जा सके। तो आज हम ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, और दोनों विभागों के भाई सुमित जी को, मुरारी जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं, और माननीय मुख्य सचिव जी को, दीपक जी को, सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए, और हमारे जो दोनों विभागों के सचिव हैं मिहिर जी, लोकेश जी, इनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर आप लोग जो हैं अमल उतरे हैं, और भी थोड़ा मोड़ा जो जगह खाली है इसको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि आपका विभाग बेहतर ढंग से और सुचारू ढंग से काम करे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं हैं, बधाई है, और अपनी बात को हम जो है यहीं विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।